हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यश एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल यश सर्स करिश्माटिक केमिस्ट्री। ओके, तो जैसे कि आप सब जानते हो, हमने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट सिक्स कंप्लीट की, जिसमें हमने हैलाइड्स के बारे में डिस्कस किया है और ऑक्साइड के बारे में डिस्कस किया है, ग्रुप 16, 17 और 18 एलिमेंट्स के बारे में। तो आज की जो हमारी वीडियो है, ये बेसिकली रिएक्टिविटी विथ मेटल है। मेटल हम सब जानते हैं जो पीरियोडिक टेबल में मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट है, समवॉट अराउंड 70% वो सारे मेटल हैं। तो अब हम ग्रुप 16 एलिमेंट जो कि है सल्फर, सिलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम, सल्फर, सिलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम, इन सब की रिएक्शन मेटल के साथ देखेंगे। तो ये देखिए, ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो बना देता है Al2O3। मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी मेटल के साथ जब भी ये ग्रुप 16 एलिमेंट रिएक्ट करेंगे, ये खुद के कंपाउंड बनाते हैं, वो भी नेगेटिव स्टेट में, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये सामने वाले के इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो इसने बना दिया Al2O3, जो कि एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म होती है एल्यूमिनियम के ऊपर। जब आप एल्यूमिनियम का एक नया कंटेनर लेके आते हैं तो वो चमकता है, लेकिन जैसे ही आप देखते हैं थोड़े दिन के बाद उसकी जो चमक है वो गायब हो जाती है। उसके पीछे जो रीज़न है वो बड़ा सिंपल सा है कि जो पहले एल्यूमिनियम आता है वो प्योर एल्यूमिनियम होता है, बट धीरे धीरे दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म ऑन इट्स सर्फेस। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे ये एल्यूमिनियम मेटल है और ये उसकी ऑक्साइड है और ये एक एम्फोटेरिक मेटल है। तो ये ऑक्साइड भी क्या होती है? एम्फोटेरिक। अदरवाइज आप मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मेटल की जो ऑक्साइड है उसे आप पाओगे कि वो बेसिक होती है। अब ये देखिए, कॉपर सल्फाइड, मैं लगे हाथ आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताते चलता हूँ। इसमें एल्यूमिनियम +3 है, इसमें कॉपर +2 है, तो सल्फर कितना है? -2। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस सिलीनियम गिव्स व्हाट? मैग्नीशियम सिलेनाइड। अब देखिए, यहाँ पे वापस IDE आ गया, IDE आ गया। इसके पीछे रीज़न क्या है? आप जैसे देखते हो, कभी क्लोरेट यूज़ होता है तो कभी क्लोराइट TE यूज़ होता है, तो कभी क्लोराइड DE यूज़ होता है, ऐसे सारे कन्फ्यूजन दिमाग में आते रहते हैं। तो इसी पार्ट से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई है जिसे हम कहते हैं नॉमनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी चेक कर सकते हैं या फिर ऊपर जो आई बटन है उसमें मैं उसका लिंक ज़रूर दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए, मैग्नीशियम मेटल है और सिलेनियम नॉन मेटल है, तो इसने रिएक्ट करके कंपाउंड बना दिया मैग्नीशियम सेलेनाइड, जिसमें मैग्नीशियम +2 है और सिलेनियम -2 है। सर, अल्कली मेटल क्यों नहीं लिया गया? जी हाँ, आप अल्कली मेटल भी ले सकते हैं, लेकिन उनके रिएक्शन थोड़े विग्रस होते हैं। जैसे आपने सोडियम लिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया तो वो बना देगा सोडियम ऑक्साइड, फिर पोटाशियम लेंगे और उसका रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो मिक्सचर दे देगा पोटाशियम पेरोक्साइड एंड पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, जिसमें से सुपर ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो उससे भी रिएक्शन हो सकता है, लेकिन विग्रेस रिएक्शन होने की वजह से हम अवॉइड करते हैं। डू यू नो टेलुरियम हैज़ द अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइनिंग विद गोल्ड मेटल टू फॉर्म टेलुराइड? जनरली गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि गोल्ड एक नोबल मेटल है। कौन सा मेटल है ये? नोबल मेटल। नो, व्हाट डू मीन बाय नोबल मेटल? ऐसे मेटल जो जनरली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन टेलीरियम उसके साथ रिएक्ट करके ये गोल्ड या फिर ऑरम टेलीराइड बना देता है, ऑरम टेलीराइड बना देता है, जिसमें इसमें गोल्ड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और टेलीरियम का सॉरी गोल्ड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है और टेलीरियम का -2 है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं Au+3 और Te2-, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये देखिए Au2Te3। ठीक है, ऐसे पता कर लेते हैं। अब ग्रुप 17 एलिमेंट का रिएक्शन देखेंगे, तो ये देखिए, रिएक्ट्स विद मेटल इंस्टेंटली टू गिव मेटल हैलाइड। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रुप 17 एलिमेंट हम जानते हैं हैलोजन फैमिली है। कौन सी फैमिली है? हेलोजन, और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये सोडियम है, क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या दे दे रहा है? NaCl सॉलिड। मैग्नीशियम है, ब्रोमीन है, MgBr2। अब इसके अलावा और भी मेटल ले सकते हैं, पोटाशियम भी ले सकते हैं, सीजियम भी ले सकते हैं, पोटाशियम प्लस फ्लोरीन गिव्स पोटाशियम फ्लोराइड KF, ऐसे भी रिएक्शन होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारे बोर्ड सिलेबस में चीज़ों को शॉर्ट करके दिया गया है, तो अच्छी बात है, हमको इतना ही पढ़ना है फॉर आर बोर्ड प्रिपरेशन, बट एंट्रेंस के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर।
अब ये क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है, ठीक है। और हमको पता है जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाती है आयनिक करेक्टर कम हो जाता है। जरा इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब जो कोई भी मेटल आपने एम लिया और एफ लिया, तो उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है तो जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है। जैसे मैं अगर एन ए एफ की ही सीरीज ले लूँ, आपको समझाने के लिए, अगर मैं एन ए एफ की सीरीज़ ही ले लूँ तो उसमें हम ज़रा आयनिक करेक्टर देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया एन ए एफ, ये हो गया एन ए सी एल, ये हो गया एन ए बी आर, और यहाँ पे आ गया एन ए आई, ठीक है। अब इसमें अगर आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर देखें तो उसका ऑर्डर कुछ ऐसे आएगा। सिंपल, कैसे? एन ए प्लस तो फिक्स है उसका साइज़, ठीक है, प्लस है, बट हेलोजन का अगर आप देखें तो साइज़ बढ़ते जा रहा है। जी हाँ, मैं हेलोजन की बात कर रहा हूँ। और हेलोजन का साइज़ बढ़ते जाएगा तो सिंपल सी बात है पोलराइजेशन बढ़ेगा, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके सामने जो पॉजिटिव कटायन होगा ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो कैरेक्टर कौन सा डेवलप होगा? जी हाँ, कोवेलेंट कैरेक्टर। और इसे किसने एक्सप्लेन किया था? साइंटिस्ट फजान ने, जिसे हम फजान रूल भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको अगर फजान रूल नहीं समझता है तो आप सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से सीख सकते हैं। सोडियम देखिए सेम है, बाकी हेलोजन चेंज हो रहा है, और हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, ये ऑर्डर है, ये 11th में हमने पढ़ा था। आगे देखिए, द मेटल हेलाइड्स हैविंग मेटल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कोवेलेंट देन द वंस हैविंग मेटल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये देखिए, एस एन सी एल फोर, पी बी सी एल फोर, एस बी सी एल फाइव, यू एफ सिक्स आर मोर कोवेलेंट देन इन सब के कंपेयर में। क्यों? इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ अभी। अब देखिए, जैसे एस एन, एक सेकेंड, इसी का एक कंपाउंड लेते हैं, इन्होंने एस एन ही ले लिया, जबकि जो एस एन है ये मेरे ख्याल से कार्बिन फैमिली का है, ठीक है, लेकिन ओके नो डाउट ले लेते हैं। एस एन, एस एन के दो कंपाउंड हैं, एस एन सी एल टू और एक एस एन सी एल फोर। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे एस एन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस टू है, और यहाँ पे एस एन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस फोर है। मतलब पहले वाले में जो टिन है उसके दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ होंगे, और सेकेंड वाले में टिन के चार इलेक्ट्रॉन्स की तरफ होंगे। तो मान लीजिए इसमें टिन का जो साइज़ है वो ये है, और इसमें जो टिन का साइज़ है वो और छोटा हो गया, क्योंकि हम सिंपल जानते हैं कि जैसे 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 चार्ज बढ़ता है साइज़ बिकम स्मॉलर। क्यों? पॉजिटिव चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे तो न्यूक्लियस का पावर जो होता है वो बढ़ जाता है और साइज श्रिंक कर जाती है। जबकि उसके सामने अगर आप हेलोजन देखें, जैसे सी एल टू, तो सी एल टू का साइज़ तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। हालांकि मैंने यहाँ पे भले ही पॉजिटिव चार्ज सेंटर में दिखा दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर में नहीं, ये सराउंडिंग में होता है। और सराउंडिंग में क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर की तरफ रहते हैं। तो मान लीजिए ये टिन का प्लस टू और प्लस फोर वाला कंपाउंड है, तो यहाँ पे प्लस टू और ये आ गया प्लस फोर, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी। अब देखिए, अब कौन इस ज़्यादा एनायन को अपनी तरफ खींचेगा, आप बताइए कौन इसका पोलराइजेशन ज़्यादा करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ये जो क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ये जो कटायन है ये अपनी तरफ खींचेगा। सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्यों, आप क्यों बोल रहे हैं आप? इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब क्लोरीन के जो सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन है वो, उनका लोकेशन जनरली फिक्स नहीं होता। ये क्लोराइड आयन है और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड मान लीजिए ऐसे फैले हुए हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। तो अगर यहाँ पे मैं कोई टिन का कटायन ले लेता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या करेगा? इस क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और क्यों अट्रैक्ट करेगा? सिंपल सी बात है कि नेगेटिव इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर अट्रैक्ट होते जाएगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर अट्रैक्ट होते जाएगा, आप देख रहे हैं कौन सा कैरेक्टर आ रहा है,
ऑलमोस्ट शेयरिंग कैरेक्टर, ऑलमोस्ट कौन सा शेयरिंग कैरेक्टर, और जितना ज़्यादा शेयरिंग कैरेक्टर उतना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर। ओके, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं होती, तो हम ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, जैसे बादल, वो एक जगह पे तो रहते नहीं। अब बादल को ध्यान से देखो, क्लाउड की बात कर रहा हूँ मैं, अब ध्यान से देखो तो वो मूव होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन का दो नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। आपने शायद डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस पढ़ी होगी 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, ऐसे हो गया। तो SN में, SnCl4 में ये +4 है, तो ये और स्ट्रांगली खींचेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इसका कैरेक्टर क्या आ जाएगा, कोवेलेंट। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट आता है कि सर ये +4 है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि क्योंकि जो टिन और क्लोरीन है वो दोनों एक नॉन मेटल है, और उनकी बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है कि पूरा हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए और जो नॉन मेटल है वो कटायन बना दे, ऐसा होता नहीं है। तो ये सब कुछ जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसे हम कहते हैं फजान रूल। मैं स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ, ठीक है, फजान नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब आ जाते हैं हम ग्रुप 18 एलिमेंट्स पे। नोबल गैस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी एकदम ना के बराबर होती है, या फिर आप कह सकते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन सर फ्लोरीन के साथ तो रिएक्शन हो गया, आगे चल के हम देखेंगे ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन हो रहा है, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। डियर फ्रेंड्स, जो फ्लोरीन है इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट कैन टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑफ द एटम, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके चलिए अब आगे आ जाते हैं हम एक प्रॉपर्टी पे कॉल्ड एज एलोट्रॉपी। सो व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी, जी हाँ, एलोट्रॉपी लेते ही आपको एलोट्रोप्स ध्यान में आ गए होंगे, और फेमस बात है, सब जैसे ही एलोट्रोप्स ध्यान में आता है बच्चों के दिमाग में कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट आ जाता है। जी आप बिल्कुल सही हैं, एलोट्रोप का मतलब क्या होता है ये हमने सॉलिड स्टेट में एक्सप्लेन किया है, और जैसे कि आप सब जानते हैं हमने सॉलिड स्टेट की अपनी पार्ट 1 की वीडियो पूरी कंप्लीट कर दी है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब एलोट्रोपी शब्द जो आया है वो आया है एलोट्रोप से। तो जब व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जब एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन होता है 3 स्टेट में, सबसे पहले आता है उसका डायमंड, जिसे हम हीरा कहते हैं, आपने तो सुना ही होगा हीरा है सदा के लिए, PNG ज्वेलर्स, डायमंड, फिर उसके बाद आता है ग्रेफाइट, और फिर लास्ट में आता है फ्यूलरी। ओके, ये 3 एलोट्रोप हैं किसके, कार्बन के। तो जब एक एलिमेंट अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है, एक ही कौन एलिमेंट जब अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रोपी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसे ही एक कंपाउंड, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही एक कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, देन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इज पॉलीमॉर्फिज्म। और जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फ, पॉलीमॉर्फ। चलिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CaCO3 का। CaCO3 दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है, एक होता है कैल्साइट और दूसरा होता है एरागोनाइट। और चाहिए तो मैं एक और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसका नाम है वुड्साइट या फिर जिंक ब्लेंड, ZnS आप सबने जाना होगा, ZnS जिसे हम जिंक सल्फाइड कहते हैं, ये भी दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है, हालांकि बकायदा ये हमारे IIT JEE के सिलेबस में है। ओके, IIT JEE के सिलेबस में, एम्स के सिलेबस में वुड्साइट का स्ट्रक्चर है, दैट इज जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर, वुड्साइट और दूसरा जिंक ब्लेंड। तो आपने देखा कैसे एक कंपाउंड, ये क्या है कंपाउंड है, ये क्या है कंपाउंड है। तो जब एक कंपाउंड एक से ज़्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं
पॉलीमॉर्फिज्म, क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। और जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रोपी। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? जी हाँ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एलोट्रोप्स। ठीक उसी तरह से पॉलीमॉर्फ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलोट्रॉपी एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंपल, एलोट्रॉपी कौन दिखाता है? एलिमेंट। पॉलीमॉर्फिज्म कौन दिखाता है? जी हाँ, एक कंपाउंड। एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट एग्जिबिट एलोट्रॉपी। जो 16 के एलिमेंट है वो एलोट्रॉपी दिखाते हैं। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन हैज़ टू एलोट्रोप्स, O2 एंड O3। जी हाँ, ऑक्सीजन दो फॉर्म में रहता है, एक O2 होता है और एक O3 होता है। ठीक है, अब यहाँ से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो जनरली मेरी क्लासेस में मैं बच्चों को पूछता हूँ कि आप सब जानते हैं ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 16 होता है। जनरली जब भी मैं कोचिंग में मेरी लेक्चर लेता रहता हूँ, हमारी कोचिंग में, तो उसमें मैं जनरली बच्चों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16 AME, ठीक है, तो दो का कितना होगा? ऑब्वियसली O2, O2 का होगा 32 AMU। और जब यहीं पे आप O3 का लेंगे तो ये आ जाता है 48 AMU। ठीक है, तो अगर आप मास के हिसाब से देखें तो ओजोन जो होता है वो हेवी होता है और जो ऑक्सीजन होता है ये लाइट होता है। तो फिर क्यों हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है वो नीचे होता है, मतलब अर्थ सरफेस से कम हाइट पे और ये अर्थ सरफेस से ज़्यादा हाइट पे? इसका प्यारे बच्चों आपको आंसर देना है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, ज़रूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सोचिए ना, कोई हैवी चीज़ ऊपर रह रही है और कोई लाइट चीज़ नीचे आ रही है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रीज़न है इसका, अगर आप पता कर ले तो। और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप नीचे लिख दीजिएगा, मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सल्फर एग्जिस्ट इन नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म। सल्फर के बहुत एलोट्रोप्स होते हैं, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक। सल्फर्स आर इम्पॉर्टेंट एलोट्रोप ऑफ सल्फर एंड बोथ आर मेटालिक। अगर यही आप अगर सल्फर के एलोट्रोप्स NCERT, जैसे कि हमारे IIT JEE सिलेबस या फिर NCERT में, NCERT में भी इतना डिटेल में नहीं दिया है, IIT JEE के सिलेबस में देखें तो सल्फर बहुत ही अलग अलग फॉर्म में होता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे बता दिया इन्होंने मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, फिर मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, फिर आगे चल के आप देखेंगे कोलोडियल सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर, कोलोडियल सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर, फिर उसके आगे आता है प्लास्टिक सल्फर और SN चेन भी आती है। तो ये बहुत कुछ है और बहुत कुछ डिटेल में भी होता है, हमें सब कुछ पढ़ना होता है ड्यूरिंग आर प्रिपरेशन फॉर IIT JEE NEET। ठीक है, आगे देखिए। सिलीनियम एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म, रेड मोनोक्लिनिक एंड सॉरी रेड मेट रेड नॉन मेटालिक एंड ग्रे मेटालिक। ये सिलीनियम का बताया कि सिलीनियम का दो एलोट्रोप होता है। ठीक है, एक जो होता है वो नॉन मेटालिक होता है, लाल कलर का होता है, और एक होता है जो मेटालिक होता है और उसका कलर क्या होता है? ग्रे जैसा। आई होप आपको पता होगा ग्रे कलर। ठीक है, ग्रे जो हम पेंसिल से जब कुछ कलर कर देते हैं तो जो कलर आता है उसे ग्रे कहते हैं। आगे देखिए। ग्रे सिलेनियम एलोट्रॉप ऑफ इज अ फोटो कंडक्टर यूज इन फोटोसेल। जी हाँ, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसे आप रख सकते हैं। सिलीनियम जो है वो एज एन फोटो कंडक्टर यूज़ होता है, सेम वही जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन से हम बनाते हैं वैसे ही। फोटो कंडक्टर, फोटो सेल्स जो होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, सीजियम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। आगे देखिए, यहाँ पे फोटो कॉपिंग का प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। फोटो कॉपी जिसे आप आज करेंट ज़माने में जेरोक्स के नाम से जानते हैं, हालांकि जेरोक्स एक कंपनी का नाम था, रैनजेरेक्स, रैनजेरेक्स, तो वो फोटो कॉपी कराती थी। तो जनरली फोटो कॉपी तो गायब ही हो गया ट्रेंड से और लोग उसे जेरोक्स ही बोलने लगे। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप होता है, सिलीनियम कोटेड एक ड्रम होता है, जिसके ऊपर सिलीनियम की कोटिंग होती है। ठीक है, अब उस ड्रम के ऊपर, ड्रम के ऊपर
इमेज आ जाती है, जिस भी जैसे पेपर है, जैसे ये पेपर है, इस पर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, आपने इस पेपर को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और फिर यहाँ से सोर्स से लाइट दिया, ठीक है, तो जो पेपर की इमेज है ये आ जाती है सिलेनियम के सरफेस के ऊपर, ठीक है, सिलेनियम के सरफेस के ऊपर। और फिर जैसे ही आप पेपर डालते हैं, ये फ्रेश पेपर आप जो डाल रहे हैं, जिसका ये देखिए, ये वो पेपर है जिसका आपको जेरोक्स चाहिए, और ये क्लीन पेपर है, क्लीन पेपर मतलब वाइट पेपर, वाइट प्लेन पेपर, ए फोर साइज़ जो होता है जनरली, उसमें जैसे इसमें डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये लाइट फ्लैश होगी, ये लाइट फ्लैश होगी, तो वो जो इमेज है वो इस पे आएगा, किस पे, ड्रम पे, सिलेनियम ड्रम पे, और फिर वो उस इमेज को जो हमारा प्लेन पेपर है उस पे ट्रांसफ़र करेगा, क्या करेगा, ट्रांसफ़र, ओके। और फिर तभी हमारे पास टोनर होता है, टोनर मतलब वो ब्लैक कलर का मटेरियल जो इंक जैसा होता है वो उसके ऊपर आ जाता है, और फिर थोड़ी सी हीट के वजह से वो स्टिक कर जाता है, थोड़ी सी हीट के वजह से स्टिक कर जाता है। तो एक्चुअल में 5 प्रोसेस, सबसे पहले सिलेनियम कोटेड ड्रम लेना है, उसके बाद जिस मटेरियल का आपको जेरोक्स लेना है उसकी एक इमेज बनाना है, किसके ऊपर, उस ड्रम के ऊपर, फिर आपको फ्रेश पेपर डालना है, ठीक है, फ्रेश पेपर डालना है, और जैसे ही आप फ्रेश पेपर डालते हो आपने देखा होगा वो ऊपर के एक बटन दबा देता है, तो ऊपर आपको एक लाइट जाती हुई दिखती है, तो लाइट क्या करती है, जी हाँ, वो लाइट के वजह से जो टोनर है वो प्लेन पेपर के ऊपर आ जाता है इमेज के साथ, जो बाद में हीट के वजह से स्टिक कर जाता है, और इस तरह से हमें हमें मिल जाता है जेरोक्स, ठीक है, ऐसा है, ये पूरा डिवाइसेज है जो आप इधर देख सकते हैं। अब आगे देखिए, टेलीरियम एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म, टेलीरियम दो एलोट्रोपिक फॉर्म में होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस, पोलोनियम भी दो एलोट्रोपिक फॉर्म में होता है, अल्फा एंड बीटा बोथ आर मेटालिक, दोनों क्या होते हैं, मेटालिक, याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे है। तो ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी होगी, ऐसे इसमें भी जाके थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं, बट इनऑर्गेनिक में बेसिकली यहाँ तक IIT JEE में भी जो NCERT में जितना लिखा होता है उससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ठीक है। आगे देखिए, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, तो जैसे कि मैंने बताया, सल्फर एग्जिबिट न्यूमेरस एलोट्रोपिक फॉर्म, रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, बीटा सल्फर, मैं शायद से रोम्बिक सल्फर लिखना भूल गया था, ठीक है, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रोप ऑफ सल्फर, और रोम्बिक सल्फर इतना स्टेबल होता है कि सारे सल्फर रोम्बिक सल्फर में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, रोम्बिक सल्फर इतना स्टेबल होता है, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी है, समवॉट अराउंड 350 केल्विन के अराउंड आता है, वो नीचे हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, जी हाँ, अल्फा सल्फर, जिसे हम येल्लो सल्फर भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो जी हाँ, सल्फर का एक फॉर्म होता है S2 करके, जो कि ऑक्सीजन से रिसेंबल करता है, और जैसे कि हम सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी, जो ऑक्सीजन होता है उसकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, दैट इज़ पाई टू पी एक्स एंटी बॉन्डिंग एंड इज इक्वल टू पाई पाई टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक उसी तरह से सल्फर में भी एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, और जिसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक होता है। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दोनों के बीच का डिफरेंस, किसके किसके बीच का, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर, जिसे हम रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इनका नाम रोम्बिक और मोनोक्लिनिक क्यों है, तो याद रखिए, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक जो है ये क्रिस्टल्स हैं, ये क्या है, क्रिस्टल्स। आपने सॉलिड स्टेट अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि किसी भी जो सॉलिड होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, तो उसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, एक अरेंजमेंट होता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओके, थ्री डायमेंशन स्पेस में उसका एक अरेंजमेंट होता है, और उस अरेंजमेंट के बेसिस पे हम उसको नाम देते हैं। तो सबसे पहले जो अल्फा सल्फर है उसका कलर पेल येल्लो होता है, और ये ब्राइट येल्लो सॉलिड होता है, हालांकि सॉलिड तो दोनों ही होते हैं, और इसका जो शेप होता है ऑर्थोरोम्बिक होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑर्थोरोम्बिक होता है, और ये नीडल शेप मोनोक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जी हाँ, कौन, जी हाँ, मैं मोनोक्लिनिक सल्फर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इनकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट देख लीजिए, ठीक है, ये नीडल शेप होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका है 385.8 केल्विन एंड दिस इज़ 393 केल्विन, ये जो कुछ भी डेटा दिया है ये जैसे का तैसा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। डेंसिटी कितनी है, 2.069 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी हाँ, ये भूल गए हैं,
यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए और इसकी 1.989, तो डेंसिटी रोम्बिक सल्फर की ज़्यादा होती है। ये इनसोल्यूबल होता है वाटर बट सोल्यूबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी सोल्यूबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। अब देखिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने टेम्परेचर 369 से नीचे रखा है या 369 रखा है ओके, तो ये जो रोम्बिक सल्फर है ये तो मेंटेन रहेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 369 के ऊपर हो जाएगा, अगर 369 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से फॉर्म में, बीटा में। तो बीटा का भी एक क्राइटेरिया है कि बीटा फॉर्म 369 केल्विन के ऊपर एग्जिस्ट होता है एंड बिलो 369 केल्विन अल्फा फॉर्म एग्जिस्ट होता है, तो आप 369 केल्विन टेम्परेचर को कह सकते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या कह सकते हैं आप, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर देखिए, एसिड मॉलिक्यूल हैविंग प्यूकर्ड रिंग, अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि ये क्राउन शेप का होता है ऐसे कुछ। ऐसे ये सारे जो गोले दिख रहे हैं आपको, ये सब कुछ क्या होता है, सल्फर एटम। और प्यूकर्ड मतलब वही जिगजैग जैसा, ये प्यूकर्ड फॉर्म ऐसा लेता है ताकि सल्फर का जो एंगल है वो इसमें मेंटेन हो सके, क्योंकि सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो ऑलमोस्ट 109 डिग्री 28 मिनट आता है। तो अगर आप S8 ऐसा बनाएंगे, कुछ ऐसे कुछ S8 बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें जो स्टेबिलिटी है वो इतनी नहीं आ पाती, एंगल के हिसाब से एंगल स्ट्रेन आ जाता है उसमें, मतलब जितना एंगल होना चाहिए था उतना एंगल नहीं मिलता, इसीलिए ये प्यूकर्ड फॉर्म में होता है ठीक है। और सेम ये भी S8 भी जो बीटा फॉर्म है वो भी प्यूकर्ड ही होता है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक जितना आपने पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई इवेपोरेशन ऑफ रोल सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड ठीक है। सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड, जैसे ये चाइना डिश होती है, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड ले लीजिए और सल्फर का रोल डाल दीजिए ओके, और फिर धीरे धीरे इवेपोरेट कीजिए, तो जो क्रिस्टल मिलेगा वो आपको अल्फा फॉर्म मिलेगा। अब देखिए, रोम्बिक सल्फर इज़ मेल्टेड इन अ डिश एंड कूल्ड टिल क्रस्ट इज फॉर्म। तो ये देखिए, ये पहले आप क्या करोगे, आप रोम्बिक सल्फर ले लोगे और उसको मेल्ट करोगे और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर ये क्रस्ट बन जाएगा। क्रस्ट मतलब जैसे मिल्क के ऊपर स्कम बनता है ना, वैसे ही ठीक है। और फिर इसके अंदर आप दो होल बना देंगे, मतलब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ओके, एंड द रिमेनिंग लिक्विड इज पोर्ड आउट टू गिव अ नीडल शेप क्रिस्टल ऑफ बीटा सल्फर। यहाँ पे दो होल बना देंगे और दो होल बनाने के बाद जैसे ही आप इसे उल्टा करेंगे, आप देखेंगे कि इसके नीचे ये सब ऐसे नीडल शेप के क्या होंगे, बीटा सल्फर ओके ऐसे। और याद रखिएगा, ये सारा जो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, ये इनर्ट एटमॉस्फेयर में करते हैं। इनर्ट गैस आपको लेना होगा, इनर्ट गैस सच एज हीलियम नियॉन, ऐसे एटमॉस्फेयर में ये कराया जाता है। ये तो ऑक्सीजन होगा तो वहाँ पे ये रिएक्ट कर लेता है। सर ये नीडल से क्यों ऐसे उसके अंदर पोर करना होता है, ताकि वो पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट हो पाए। होता क्या है, जनरली ऊपर क्रस्ट बन जाता है और क्रस्ट बनने की वजह से जो नीचे का लिक्विड होता है वो हॉट ही होता है, तो जनरली उसमें से हीट निकल पाती है और फिर इसी को लेके हम पलट देते हैं ठीक है, और फिर हमें क्या मिल जाता है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया है, रिमेंबर सेवरल मॉडिफिकेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम पर रिंग हैव बीन सिंथेसाइज, मतलब रिसेंटली ऐसा बोल रहे हैं कि S20 तक का ऐसा एलिमेंटल सल्फर को डिस्कवर किया गया है, जिसमें जिसमें जो सल्फर है वो प्यूकर्ड फॉर्म में रहते हैं या फिर zigzag फॉर्म में। यहाँ पे देखिए, इन S8 मॉलिक्यूल द रिंग इज प्यूकर्ड, ये देखिए यहाँ पे प्यूकर्ड दिया गया, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, एंड एज अ क्राउन शेप ओके, क्राउन जो किंग जो अपने सर पे पहनता है क्राउन, वैसा शेप होता है। इन साइक्लो S6 द रिंग एडॉप्ट्स द चेयर फॉर्म, साइक्लो S6 में ये चेयर फॉर्म, जैसे कि आप जानते होंगे साइक्लोहेक्सेन जो है वो चेयर फॉर्म लेता है, चेयर फॉर्म इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स ओके। ठीक उसी तरह से SN भी कौन से फॉर्म में रहता है, चेयर फॉर्म में। एट अ एलिवेटेड टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बहुत हाई रखते हो, समवॉट अराउंड 1000 केल्विन का, तो S2 इज़ अ डोमिनेंट स्पीशीज, मतलब जो
S2 है, मतलब दो सल्फर एटम जो साथ में रहते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर, जैसे कि S6, S8 उनके कंपेयर में। ओके, और ये किसकी तरह होती है? ऑक्सीजन की तरह। और ये भी क्या है? S2 पैरा मैग्नेटिक, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एलोट्रोपी का पार्ट। ओके, तो ऑलरेडी हमने एलोट्रोपी को ख़त्म कर दिया है, तो ये जो ऑक्सी एसिड वाला पार्ट है, ऑक्सो एसिड वाला, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैप्टर थोड़ा लेंदी है क्योंकि पी ब्लॉक से जनरली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वेटेज सबसे ज़्यादा होता है इसका 12th स्टैंडर्ड में। 8 मार्क्स का कुछ वेटेज है इसका, ठीक है, विदाउट ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो चैप्टर तो लेंदी होना ही है, या फिर शॉर्ट शॉर्ट करके भी ख़त्म कर सकते हैं, बट उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।